नमस्कार, एनबीसी न्यूज के खास एपिसोड खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दर्शकों, देखा गया है कि कलयुग में जो धर्म है, धर्म का बंटवारा हो रहा है, इंसानियत का बंटवारा हो रहा है, लेकिन धर्म की असल परिभाषा क्या है, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज इस वक्त हमने स्टूडियो में तीन महंतों को आमंत्रित किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित मनोज कुमार जी शुक्ला, जो कि यज्ञाचार्य संत है चांदपुर श्री क्षेत्र के। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है राजुल पांडे, जो कि पचमढ़ी क्षेत्र के महंत है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है नितिन बाथरी, जो कि हरिप्रसंग मंडल के एक कद्दावर कार्यकर्ता है, साथ ही साथ एक पदाधिकारी है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पंडित मनोज कुमार जी शुक्ला। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। हमारे सवालों के पिटारे से सबसे पहला सवाल आपकी ओर आता है। आप एक ब्रह्मचारी संत है, जिस प्रकार से आपने तपस्या की है, किसी भी जो है किसी की भी शुरुआत होती है, तो आपका आध्यात्म की ओर मुड़ने की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्या बताना चाहेंगे? ये सारा विश्व अपने मन को संतुलित रखते हुए और ईश्वर की ओर मुड़े, धर्म की ओर मुड़े और सभी को धर्म के साथ जोड़ते हुए, शास्त्रों के साथ जुड़ते हुए हमने अनुभव किया कि आप जितना भी ईश्वर से प्रेम करेंगे, मानव से प्रेम करेंगे, गौओं से प्रेम करेंगे, उतना ही आपकी मनोकामनाएं ईश्वर से ही जुड़ी रहेगी। और परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों की विपता में सम्मिलित होना, यही एक सबसे बड़ा मानव धर्म है। और इसी को हर मजहब को लेकर के चलना और ईश्वर की ओर, धर्म की ओर सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को और सभी को जोड़ करके रखना और सदैव उनके चरण कमलों में अपना माथा रखते हुए और सभी को धर्म का मार्गदर्शन कराना, यही अपना मानव धर्म है। और यही हमारा उद्देश्य है कि अपने हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो और भी अन्य धर्म हो, ये इसमें किसी भी प्रकार का विच्छेद नहीं करना चाहिए। जो भी अपने हृदय से अपने अपने धर्म को माने वो सर्वश्रेष्ठ होता है और सब में मूल धर्म सब अपने अपने मजहब के होते हैं और उसी के हिसाब से चलना चाहिए और अपने धर्मों के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। और सभी मानवों को, जैसे अपन एक हर मार्ग के बने हुए हैं, तो सभी जीव बने हुए हैं और सबको एक ही जगह जानी है, तो इसलिए ईश्वर यंश जीव अविनाशी जल चेतन अमल सुखराशी, तो सबको तो वहीं जाना है, एक ही जगह जाना है। इसलिए न किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बोलना चाहिए और न किसी को विच्छेद करना चाहिए, उनके साथ शांतिपूर्वक और अपने भाई बहनों का आदर सम्मान देते हुए और अपने मानव धर्म के हित तत्पर रहना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और जिस प्रकार से आपने उद्देश्य बताया धर्म का, लेकिन सवाल ये था कि आप धर्म की ओर किस प्रकार से बढ़े, क्या शिक्षण हुआ है आपका और क्या बताना चाहिए? हम तो हमारा फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है, उसके बाद में हम खुद नहीं जान पाए कि हम कैसे ईश्वर के प्रति प्यार और सबसे ज़्यादा प्यार चांदपुर, हनुमान जी या कोई और भी मदारे, वहाँ जाना, बैठना, संतों के साथ में रहना, यही हमारा विचार रहा और सदैव उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। और उसी से आज भी हम वही धर्म के बारे में सब बतलाते हूँ। ज़्यादा मुझे रामचरितमानस से और ये यज्ञों से बहुत ज़्यादा प्रेम रहा
हमारे गुरु नारायण बोलते थे कि यज्ञ करने से जो गलत प्रदूषण है वो दूर होता है और अपना मन और दूसरों का भी इससे सुंदर रूप से स्वच्छ होता है यज्ञ से। तो इसी को आप करते रहना और हम इसी कारण ज़्यादा अपनी आत्मिकता यज्ञ भजन पूजन में ही लगाए रहते हैं और भी लोगों को बिठा करके यज्ञ कराते रहते हैं और यही हमारा काफी अच्छी बात है। देखा गया है कि आज का युवा जो है धर्म से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिकता के युग में है, धर्म की परिभाषा बदल गई है, इंसानियत बढ़ रही है और ऐसे में जिस प्रकार से महंत जी ने जिस प्रकार से बताया, एक धर्म की परिभाषा है इंसानियत को इंसान समझना, साथ ही साथ जो है अपने धर्म का सम्मान करना, किसी भी धर्म का द्वेष नहीं करना, इस प्रकार की जो है वाणी उन्होंने बताई है। जिस प्रकार से पंडित जी आपने बताया चांदपुर श्री क्षेत्र में आप एकाचार्य संत के रूप में काम करते हैं, तो किस प्रकार का दिनक्रम होता है चांदपुर श्री क्षेत्र में जहाँ की हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति विराजित है? वहाँ पहले तो कुछ भी नहीं था, हम जाने के पश्चात हमने वहाँ पे नियमों का पालन लगवाया कि सभी को आना है और सभी को एकत्र रूप से मिलकर के भगवान की सेवा करना है, इनका भवन बड़ा बनाना है, थोड़ी सी इनको आराधना कराना है, हनुमान चालीसा के पाठ हैं, रामचरितमानस के पाठ हैं। फिर समयानुसार जैसे तिथियां आती है, राम जन्म से हनुमान जयंती तक पर्व रखे जाते हैं, हम उसमें 11 अखंड रामायण रखवाते हैं, वो अखंड पाठ चलते रहता है। सभी लोगों के आत्माओं को संतुष्टि मिलने के लिए कि भाई हम कल हम गए थे तो हमें वहाँ पे बैठने मिला, यज्ञ करने मिला, उनको शांति मिली, तो इस कारण से हम लोग रामचरितमानस का निमित्त पाठ और आहुति यज्ञ कराते रहते हैं। जो भी आए यज्ञ करिए, बैठिए शांति से। और हमारे कमले जी ऊँची बगले हैं, मीठी वाणी के रहने वाले हैं, वो हमारे शिष्य बोलिए बेटे बोलिए, वही हम सम्मान उनको देते हैं और सभी को देते हैं, उनके तरफ से छोटा ट्रस्ट है, तो इस कारण से वह सभी का संग्रहण करके महाप्रसाद चलते रहता है और 7 दिन कराते रहते हैं और सभी भक्तों को बड़ा आनंद और ईश्वर प्राप्त होता है। और जो भी हमारे लगे कहीं आते हैं या हमारी मनोकामना, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भगवान का स्मरण करिए, हनुमान जी को सारी मिथ्या बतलाइए तो दूर हो जाएगी। और ऐसा ही प्रतीक होता है मुझे कि हनुमान जी स्वयं सुन लेते हैं और वो गरुड़ मुख अवतरण है भगवान और दक्षिण मुखी है और 7 फुट की लगभग प्रतिमा है और वो सुन लेते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस कारण से हम जब शुरू में गए थे तो करीब 50-100 लोग आते थे, आज तो ताता लगा रहता है, पर्व में 1-2 लाख पब्लिक रहती है और अभी डेली 10,000-5,000 लोग आता ही जाता रहता है और काफ़ी गरीबों का परिवार चल रहा है, नीचे करीब 150-200 लोगों की दुकानें हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनका परिपूर्ण सब भगवान कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो बस सबको मिला करके चलना है, बस यही आकांक्षा है भगवान से कि ज़्यादा तो चले गई, अब थोड़ी सी है तो प्रभु इसी प्रकार निभाते रहना। मोर मनोरथ जानहु नीके, तो ये भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हम तो यही बोलते हैं कि धर्म की हानि नहीं होना चाहिए और किसी मानव की, यानी मानव को भी हानि नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार से मानव मानव में राजनीति मत डालिए, उसको धर्म डाल के चलिए तो और भी तेजी से धर्म बढ़ेगा। यही हम सभी संतों से, सभी जीवों से, सभी मानवों से यही हम प्रार्थना करते रहते हैं और भगवान से हम सदैव यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सारे जगत को एकत्र की ओर मोड़िए, इन्हें विच्छेद मत करिए, यही हमारी मनोकामना है। जय श्री राम, राधे राम।
जोड़ना यही धर्म है, तोड़ना यह अधर्म है, इसी प्रकार का जो है संदेश जो है पंडित जी ने यहाँ दिया है। जिस प्रकार से देखा गया है प्रभु हनुमान को जो है कलयुग का सबसे पावरफुल देवता माना गया है, साथ ही साथ एक सचेत देवता भी उन्हें माना गया है, और चांदपुर क्षेत्र में काफी बड़ी जो है भव्य कार्यक्रम यहाँ किया जाता है, यज्ञ होता है, हवन पूजन होता है, जहाँ की बहुत बड़ा जो कार्य पंडित जी का होता है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है राजुल जी पांडे। राजुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। क्या बताना चाहेंगे आज के जो है आधुनिक युग में धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं BCN न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया और आध्यात्म विषय पर परिचर्चा की गई है, और माननीय सम्माननीय मेरे बीच उपस्थित हैं संत परम आदरणीय श्री शुक्ला जी गुरुदेव और भारत के हमारे सत्संग मंडल के प्रभारी नितिन कुमार जी पात्री, और मैं टेम्बे जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है कि आपने मुझे बुलाया है। ये परमात्मा से प्रार्थना करूँ कि सदा हर समय आप प्रसन्न हैं, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अच्छा, जैसे कि मुझसे प्रश्न किया गया है कि धर्म की क्या परिभाषा है, धार एति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसे हम धर्म कहते हैं। संस्कृत में बड़ी सरलता के साथ बोला गया है कि धार एति धर्म, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बढ़कर संसार में दूसरा धर्म है ही नहीं, और ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, और मानव का है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, जो इंसान को इंसानी सिखा दे वो धर्म है। धर्म वो धर्म नहीं है जो एक इंसान को हिंदू बना दे, धर्म वो धर्म नहीं है जो एक इंसान को मुस्लिम बना दे, वो धर्म नहीं है कि जो एक इंसान को बौद्धिस्ट बना दे, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वो है कि जो मुस्लिम को इंसान बना दे, धर्म तो वो है कि जो एक हिंदू को इंसान बना दे, धर्म तो वो है जो एक ईसाई को इंसान बना दे। तो धर्म की वैसे परिभाषाएं शास्त्रों में बड़ी विस्तृत दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी है, किंतु सत्य दान दया और पवित्रता ये धर्म के प्रमुख लक्षण हैं। 10 लक्षण हैं धर्म के, किंतु सत्य दान दया और पवित्रता इन्हीं चारों शब्दों में, इन्हीं चारों परिवेश में धर्म समाया हुआ है। सत्य का पालन करें, पवित्र मन से रहें, करुणा के भाव प्रत्येक प्राणियों के लिए हमारे उज्जवल हों, और आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें धर्म की विकृति उत्पन्न हो रही है। जैसे धर्म विकृति हो रही है, धर्म अब बिकने लगा है ऐसा कहना नहीं चाहिए, किंतु हर धर्म में, हर मजहब में जिनके हाथ में उसकी सत्ता दी गई है, उनमें कुछ लोलुप तत्व ऐसे आ गए हैं, कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे आ गए हैं जो धर्म की परिभाषा संसार तक पहुंचा ही नहीं रहे, केवल स्वार्थ परायण। और पहले जो राजनीति होती थी वो धर्म के आधारित होती थी, धर्म पर चलती थी, अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब धर्म में राजनीति प्रवेश कर गई, और हम मानवता से दूर होने लगे हैं। अतः धर्म की यह परिभाषा होनी चाहिए कि जो धारण करने योग्य है, जो जीवन में निर्वाह करने योग्य है, जो मानवता से मानवता का प्रेम सिखा दे, जो जीवन में जीने की कला सिखा दे, वो धर्म है। हमारे सनातन संस्कृति की बात करूं तो रामायण हमें जीना सिखाती है, हम कैसे जिए, और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, मरणार्थात ऐसा कि मरे ऐसे, मृत्यु ऐसी हो कि जीवन ही न मिले, और जीवन ऐसा मिले कि बार बार जन्म ही न हो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम्, न जन्म ले न मरे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परम तत्व को हम प्राप्त कर जाए। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे शास्त्रों में चार पुरुषार्थ है। धर्म मानवता का उद्देश्य है, धर्म से रहना, जैसे किसान
अपने खेत में जो उत्पन्न कर रहा अनाज वो किसान धर्म का निर्वहन कर रहा है, छात्र अपने विद्या धर्म का निर्वहन कर रहा है, शिक्षक अपने छात्रों को उज्जवल बनाने के धर्म का निर्वहन कर रहा है, स्टूडियो हमारा संचार साधन दे करके पूरे संसार में निर्भीक होकर के समाचार को पहुंचाकर अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव धर्म से बंधा हुआ है, ऐसा कोई भी प्राणी कोई भी जीव हमारे संसार में मानव मात्र नहीं है जो धर्म के बगैर जिए। बगैर धर्म का व्यक्ति उस पशु के जैसे है जो बगैर पूंछ का है। अतः धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, धर्म हमें सत्य की राह पर चलना सिखाता है, धर्म हमें करुणा प्रेम दया ममता इसने सिखाता है। जिस प्रकार से धर्म की परिभाषा आपने बताई है, भगवद गीता में श्लोक है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। अर्थात प्रभु का नाम ही सर्वोपरि है, लेकिन आज जो आधुनिक युग में देखा गया है, कथा करवाई जाती है लेकिन कथा में काफी मात्रा में द्रव्य नाश होता है। जिस प्रकार से कथा के नियम है, ब्रह्मचार्य का पालन और धरणी पर सोना, इस प्रकार के कठिन नियम नहीं पालन किए जाते, लेकिन दूसरी ओर काफी मात्रा में द्रव्य नाश किया जाता है, इस प्रकार की झांकियां दिखाई जाती है ताकि मनोरंजन हो। कथा एक मनोरंजन का साधन बन चुका है। कई बार देखा गया है कि कथा में ऐसे ऐसे प्रसंग बताए जाते हैं जिनका शायद ही उस दृष्टांत से कोई संबंध हो। क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार की जो है कथा होनी चाहिए, जिस प्रकार से भगवत गीता में बताई गई है, जिस प्रकार से भागवत में जिसका नियम बताया है, और जिस भागवत की कथा से जो है राजा परीक्षित ने मोक्ष पाया था, उस प्रकार से हम भी मोक्ष पाए, ऐसा कौन सा उपाय आप बताना चाहेंगे? जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना और आओ साथी मिलकर बैठो, प्रभु प्रेम में डूब जाना। जीवन का यही निष्कर्ष है कि प्रभु के प्रेम में लग जाना है। धर्म विक्रय का विषय नहीं है। आज हमारे कथा वक्ता भी, जैसे कि पहले प्रश्न में जिक्र किया था, कि लोलुपता और स्वार्थ पहुंच चुका है। कथा बेची नहीं जाती। एक भागवत दृष्टांत आता है कि जब राजा परीक्षित मुक्ति के चाहत में सुताल की पावन धरा पे पहुंचे और राजा परीक्षित को परम हंस सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे, उस समय इंद्र लोक से देवता समुद्र बंधन से अमृत प्राप्त हुआ था, उस घट को लेकर चले आए, घट को स्थापित किया और कहा कि आप घट रख लीजिए, अमृत रख लीजिए, और हमें आपके पास जो कथा अमृत है, जो कानों का रसायन है, वो प्रदान कीजिए। तब परमहंस सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देवताओं, आप जो अमृत कलश लेके आए हो, ये अमृत मुख से पीने वाला रस है, पर हमारे पास जो राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं, ये कानों से पीने वाला रस है। आपके पास जो अमृत रखा है, इसे पीकर केवल हम स्वर्ग जा सकते हैं, पर स्वर्ग में भी वर्ग बनाए गए हैं, और जो हमारे पास अमृत कलश रखा है, इसको पी करके अपवर्ग में जाना है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताई सकल सुख, जो सुख लव सत संग, जो सत्संग का निमिष मात्र का भी सुख है, वो सुख जो है स्वर्ग से बढ़कर अपवर्ग में प्राप्त होता है। किंतु आप विनिमय करने आए, व्यापार करने आए, तो भागवत जी में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यापारी हो या व्यापार करें, चाहे वो कथा यजमान हो, चाहे वो कथा वक्ता व्यास हो, यदि सौदा करके व्यापार करके आता है तो उसका फल दोनों को नहीं मिलता। अतः कथाओं में व्यापार निषेध किया गया है। स्वार्थ परायण धर्म और राजनीति दोनों हमारे संस्कार को विलुप्त करने जा रही है, अतः व्यापार नहीं होना चाहिए, स्पष्ट किया गया हमारे धर्मशास्त्र में। जिस प्रकार से भागवत में एक कथा प्रसंग आता है गजेंद्र हाथी का, जहाँ की मोक्ष के समय जो है परमेश्वर ही उन्हें हाथ देते हैं, संकट के समय उनके जो है उनकी पत्नी, उनके बच्चे, यहाँ तक कि उनके सहचारी भी उनके काम नहीं आते, लेकिन परमेश्वर उन्हें हाथ देते हैं। और इसी जो है कथा का जो है एक
अलग ही महत्व है, उनके अमृत से तुलना की जाती है। और ऐसे कथा का जो है पूरे नियमों के साथ पालन होना चाहिए, तब कहीं जो है पूरे संसार को इस कथा अमृत का जो है बोल सकते हैं फल मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है नितिन जी जो कि हरिप्रसंग सत्संग मंडल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार का दिनक्रम होता है हरिप्रसंग मंडल का, किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित श्रद्धे यज्ञाचार्य शुक्ला मामा जी, श्रद्धे आचार्य जी, मैं साष्टांग नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पिंपरी जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। BCN न्यूज का शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, हमारी भावनाओं को आप तक पहुंचाया। BCN के सभी दर्शकों को जय सियाराम। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज आप देख रहे हैं संतों के बीच में, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनके बीच में हम हैं। और हमारी जो सद्बुद्धि है, हमारा हरि प्रसंग जो मंडल है, हमारे भारत में मुझे प्रभारी बनाया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे भारत के युवा वर्ग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सबसे पहले हमारे जो भगवान है वो हमारे माता पिता है। हमारा हरि प्रसंग मंडल का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, प्रभु के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि हमारे इस भारत वर्ष में एक भी वृद्धाश्रम न हो, हम इतने सक्षम रहे कि हमारे माता पिता कहीं वृद्धाश्रम में न जाए। हमारे भारत के माता पिता, हम सबका ये परम दायित्व बनता है। हमारा हरि प्रसंग सत्संग ये कहने का प्रयास कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है, ये सूचना आप तक दी जा रही है कि हमारे सनातन में 18 पुराण हैं, जिसकी हम कम से कम साधन में प्रसंग हम करवाते हैं, करते हैं। जो इच्छुक है हमारे भारत के, हमारे नागपुर वासी, जो साधक जो चाहते हैं कि उनके घर में हमारे पुराण होना चाहिए, जो हमारे सनातन में 18 पुराण है, अनुष्ठान है, महामृत्युंजय महा का अनुष्ठान है, और भी अनुष्ठान जो करना चाहते हैं वो हम करवाते हैं। हमारे यज्ञाचार्य के द्वारा किया जाता है, हमारे आचार्य के द्वारा किया जाता है, और जिसमें हमारा हरि सत्संग का मंडल का उद्देश्य है कम से कम साधन में हम करते हैं। हमारे मंडल की जो सर्व विशेषता ये है, हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारा भारत प्रगति करे। सर्व धर्म सम्मान, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे भारत में जितने भी संत महात्मा हैं, जितने संत हैं, हम सब श्रद्धेय हैं, उनका प्रणाम करते हैं। हमारी हमेशा से हमारे सत्संग की, हमारे मंडल की अभिलाषा रही है कि हमारे भारत का हर बच्चा, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे संस्कार के वजह से हमारे भारत वर्ष को जाना जाता है, हमारे माता पिता का सम्मान करे, संतों का सम्मान करे, जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपने माता पिता का सम्मान करे, गुरुजनों का सम्मान करे और अपने पथ पर आगे बढ़े। जैसे कि आप सब जानते हैं, चांदपुर जो है तुमसर से 13 किलोमीटर पे है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप सभी से अनुरोध है वहां जाइए, प्रभु जो है हमारे हनुमान जी गरुड़ अवतार में है, वहां पे जाके दर्शन कीजिए। यज्ञाचार्य जी आपको वहां पर मिलेंगे, उनकी सेवा है। आचार्य जी पचमढ़ी से आए हुए हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं नागपुरवासी कि हमारे नागपुर के धरती पर इन संतों की चरण धूलि आई है, ये खुद स्वयं आए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो मैं आप सभी को मेरा नंबर बताता हूँ, आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आपका ये नितिन भाई, मैं दक्षिण नागपुर में स्थान है हमारा, हमारा घर है, निवास स्थान है। मेरा नंबर है 9421801048। कभी भी कोई भी धार्मिक आपको कार्यक्रम करना है या कोई भी पुराण से संबंधित आपको कथा करवानी है, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हम सेवा का हमें आप मौका दीजिए और हमसे जो भी हो सकता है हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए,
बाकी हमें किसी द्रव्य से मतलब नहीं है, बाकी हमें किसी स्वार्थ से नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हम सिर्फ हमारे धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसका हमें आप सेवा का मौका दीजिए। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। श्री राम जी की कृपा है हमारा भारत वर्ष सब सदा फल फूले, संत महात्माओं का सम्मान हमेशा होते रहे, घर में माता पिता का सम्मान कीजिए, यही हमारी आपसे सभी दर्शकों से अनुरोध है। और सभी दर्शक चांदपुर में आपका स्वागत है, पचमढ़ी में महादेव में स्वागत है, दक्षिण नागपुर में मैं निवास स्थान है, मेरा नंबर आपको बता चुका हूँ, कभी कोई सेवा हो तो आप अवश्य पधारे। जय सियाराम। दर्शकों, जिस प्रकार से इस चर्चा सत्र में हमने सुना धर्म की क्या परिभाषा है और धर्म किस प्रकार से होना चाहिए, इंसानियत को बांटना धर्म नहीं तो सभी को जोड़ना धर्म है, विच्छेद करना धर्म नहीं तो संधि करना धर्म है, ये भारत है उस राम का जिन्होंने मर्यादा का प्रमाण दिया, ये भारत है उस कृष्ण का जिन्होंने महाभारत के जरिए धर्म को जिताया, ये भारत है उस माँ काली का, उस माँ दुर्गा का जिन्होंने महिषासुर का वध कर देश में और साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड में सत्यता का जो है प्रमाण दिया है। दर्शकों, जिस प्रकार से देखा गया है धर्म की परिभाषा दिन ब दिन बदलती जा रही है, जिस प्रकार से महंतों ने बताया, जिस प्रकार से यहाँ के संतों ने बताया ब्रह्मचारी की ओर जिस प्रकार से वह जुड़े, आज ब्रह्मचार्य काफी बड़ी ताकत बन सकता है युवाओं की। देखा गया है कई बार जो है युवा बड़ा जो है बड़ी ताकत है, ब्रह्मचार्य की सबसे बड़ी ताकत बताई गई है, जिस प्रकार से ब्रह्मचार्य है ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है। और यदि हम भारत की अखंडता संप्रभुता को अबाधित रखना चाहते हैं तो यकीनन धर्म का ही हाथ पकड़ना जरूरी है। जिस प्रकार से धर्म की परिभाषा हमने इस एपिसोड में जानी है, ऐसे ही जाने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।